स्थिति में थे वो उन्होंने साधना की थी, और उसमें उनकी पुस्तक जिन जिन लोगों ने पढ़ी होगी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगानंद परमहंस की पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर ही पूरा का पूरा है निराहारा योगिनी। निराहारा योगिनी का मतलब कि जिसने आहार लिया ही नहीं, भोजन लिया ही नहीं, फिर भी जीवन चल रहा था। और इस पर उन्होंने जब लिखा था पुस्तक, जिस समय उस समय का वर्णन उस पुस्तक में है कि उनकी उस महिला से जब मिली थी वो, जाकर योगानंद परमहंस स्वयं मिलने गए थे, और उन्होंने पूछा, जिस समय मिलने गए थे उस समय उस महिला की उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास थी, और जब मिले थे तो पूछा उससे उन्होंने कि आप जीवन चला कैसे रहे हो, आप तो भोजन का त्याग कर चुके हो। तो उस महिला ने अपनी घटना बताई कि बचपन में मैं बहुत खाने वाली थी, इतना खाना खाते थे कि लोग परेशान थे मेरे खाने से, और जब मेरी शादी हो गई तो सास भी और ससुराल के लोग भी परेशान थे क्योंकि खाना मैं बहुत ज्यादा खाती थी। एक दिन सास ने ऐसी बात कह दी कि उसी दिन मन में प्रण हमने कर लिया कि आज से खाना ही नहीं खाएंगे, और जिस दिन से प्रण लिया उस समय उनकी उम्र थी मुश्किल से 12-13 वर्ष की, और जिस समय योगानंद परमहंस मिलने गए थे उस समय उसकी उम्र थी लगभग 60 वर्ष के आसपास। तो सोच लीजिए कि बीच के जो 40 साल के आसपास की दूरी थी, उस 40 साल में उसने अन्न का प्रयोग नहीं किया, जल का प्रयोग करती थी, अन्न का प्रयोग नहीं किया, कहीं अन्न नहीं आया। और सिर्फ उनसे जब पूछा योगानंद ने कि आखिर ये क्या करती है, क्या फिर करती कैसे, फिर जीवन चलता कैसे, तो उसने बताया कि मैं कुछ नहीं करती, वो जंगल में कुटिया में रहती थी, और वो कहती थी कि सुबह सुबह मैं निकल जाती हूँ खुले वातावरण में और खूब लंबी लंबी श्वास लेती हूँ, और श्वास लेने के बाद मुझे भूख की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, भूख लगती ही नहीं, बस बिल्कुल उससे हमारी मन तृप्त हो जाती। इसका मतलब वह महिला जब 40 साल तक भोजन का त्याग कर दिए फिर भी जीवन चलता रहा, इसका मतलब प्राण तत्व हमारे भोजन से जुड़ा हुआ नहीं है। प्राण तत्व उस हवा में उपस्थित, वैज्ञानिक कहते हैं कि इस हवा में एक तत्व होता है जिसको इथर कहते हैं, इथर, इथर नाम का तत्व है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर इस सृष्टि से इथर नाम के तत्व को हटा दी जाए तो ये सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिन्न भिन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारी बातें अगर आप तक पहुंच रही हैं तो उसमें उस इथर तत्व की उपस्थिति है जिसके कारण मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। अगर वो हट जाए, वातावरण से निकाल दी जाए, तो कोई किसी को आवाज नहीं दे सकता, जीवन जीना खत्म हो जाएगा। तो क्या वो इथर तत्व प्राण तत्व है? गुरुओं ने कहा, आध्यात्मिक गुरुओं ने, कि नहीं, वो इथर से भी सूक्ष्मतम है, माध्यम वो जरूर है, रास्ता वो जरूर है, बट वो उससे भी सूक्ष्मतम है, वो प्राण तत्व है जिससे जीवन संचालित हो रहा। लेकिन इन प्राण तत्वों को श्वास के माध्यम से हम ग्रहण जरूर करते हैं। जो निराहारा योगिनी की बात थी वो वही करती थी कि बाह्य वातावरण से, जो कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी से हम श्वास जब लेते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी को शरीर के भीतर लेते हैं, जिसके माध्यम से शरीर के भीतर की वाइटल एनर्जी, जीवनी शक्ति सशक्त होती है, और वो जीवनी शक्ति ही प्राण तत्व है जो उसके माध्यम से मिलता है। वो ग्रहण करने का एक माध्यम जरूर है हमारा, इसलिए प्राण तत्व अति सूक्ष्मतम है। प्राण तत्व को हम प्रभावित कर सकते हैं श्वास के माध्यमों से, अगर सही श्वसन की क्रिया हो तो हमारा प्राण तत्व ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा सक्रिय होगा, और जो जितना प्राणवान होगा उसकी डिटर्मिनेशन पावर उतनी बेहतर होगी। लेकिन प्राण तत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम बड़े हट्ठे कट्ठे हैं, मोटे हैं तो हम ज्यादा प्राणवान होंगे, और आप बड़े दुबले पतले हो तो आप प्राणवान नहीं होंगे, इस बात से वो वैरी नहीं करता। आपने देखा होगा, कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जी, बिल्कुल सूखा सूखा सा, मरा मरा सा होगा, दुबला पतला होगा, लेकिन इतनी डिटर्मिनेशन रहेगी कि पूरी की पूरी चीजों को बदल रख देने की क्षमता रखता है। और इसके एक बड़े उदाहरण है भारत के इतिहास में, तो महात्मा गांधी इसके उदाहरण बड़े जबरदस्त रहे हैं, जिसने भाई अंग्रेजों से देश को बचा दिया, या युद्ध करके, युद्ध मतलब अपने अहिंसा वृत्तियों से, तो बड़े दुबले, लेकिन महात्मा गांधी बड़े दुबले पतले थे, कोई हट्ठे कट्ठे नहीं थे, और इसलिए ये मोटापा यानी शरीर की फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए प्राणायाम का जो प्रयोग खास तौर पे करवाया जाता है कि ताकि वो प्राण तत्व को प्रभावित कर सके और आप प्राणवान हो सके, जिससे आपकी डिटर्मिनेशन शक्ति, संकल्प पावर बढ़ सके। हम सब लोगों की क्या होती है कि आज संकल्प करते हैं और कल वो बदल देते हैं,
फिर कल नया संकल्प करते हैं, परसों बदल देते हैं, सोचते हैं कि चलो अभी सर्दी में तो बिल्कुल मैं पूरा योग करके ही छोड़ूंगा, और दूसरे दिन कहते हैं यार ठंड है छोड़ो, आज छोड़ते हैं कल देखते हैं। और ये जीवन में इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेशन हमारी है वो कम है, इसी के कारण हमारे लिए मुश्किलें पैदा होती। अगर हमारा जीवन संकल्पमय होगा, प्राणवान होगा, तो इसका कोई कारण नहीं बनता कि आप निर्णय को बदल सकेंगे। तो इसलिए श्वास प्रेक्षा के माध्यमों से हम प्राण तत्व को प्रभावित करते हैं और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, पहली चीज। दूसरा है प्राणवायु, प्राण, प्राणवायु और प्राणायाम। तो ये प्राण बात हो गई। दूसरा प्राणवायु, योग शास्त्रों में खास तौर पे प्राणवायु की बड़ी चर्चा आई है, और उसमें वो कहते हैं कि प्राण शरीर को संचालित करने में, योग कहते हैं कि हमारे लिए प्राणवायु बड़े महत्वपूर्ण है। हमारे सारे योग के जो गुरु हैं, योग के योगी योगी सब बने हैं, उन्होंने कहा है, क्योंकि उस समय विज्ञान के हिसाब से कुछ नहीं कहा जा सकता था। आज हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इतने ऊपर हैं, उसमें वैज्ञानिक बातें हम कहते हैं, लेकिन उस समय जब ऋषि मनीषि थे बातें सारी वैज्ञानिक थी, क्योंकि वो उसको अनुभव के आधार पर उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा कि इस शरीर को चलाने में 10 प्रकार के प्राणवायु हैं जो इस शरीर को संचालित कर रहे हैं। 10 में से 5 प्राणवायु जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं, और 5 है जो उस 5 को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, और ये 10 प्राणवायु ही शरीर के संतुलन की व्यवस्था को मेंटेन करता है, शरीर को संचालित करता है। 5 जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें से आप सब लोगों को नाम पता होगा, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्राणवायु हैं जो मुख्य हैं, और 5 जो सहयोग हैं, सहयोगी है, उसका नाम भी मैं बोल देता हूं। ये कहते हैं एक नागवायु, एक कहता है कुर्म वायु, एक कहता है क्रिकर वायु, एक कहलाता है देवदत्त वायु, और एक कहलाता है धनंजय वायु। ये 5 सपोर्टिंग वाला माना गया। जो 5 मुख्य हैं, प्राण, प्राण का जो संबंध माना गया है वो हृदय से माना गया है कि प्राणवायु हृदय में वास करता है। अपान नाभि और नाभि से नीचे के लिए कार्य करता है। समान प्राणवायु नाभि और पेट के भागों के लिए काम करता है। व्यान वायु पूरे शरीर के लिए काम करता है, और उदान वायु जो है वो क्या करता है, कंठ के भाग पर इसका निवास स्थान है, और ये पूरे मस्तिष्क की व्यवस्थाओं को देखता है। ये 5 प्राणवायु महत्वपूर्ण है। प्राण और समान, प्राण कहा मैंने हृदय, और अपान हमने कहा नाभि। जब शरीर संतुलित होता है, व्यवस्थित होता है, तो हर प्राणवायु अपना कार्य संतुलित रूप से करता है। जिसका जो काम है, अपान प्राणवायु का काम है नाभि और नाभि से नीचे के लिए काम करना, तो नाभि और नाभि से नीचे के लिए जब वो काम करेगा, तो जो भी नाभि से नीचे का कार्य हो रहा है उसका उत्तरदायी अपान प्राणवायु है। यानी मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, ये सारा जो काम है वो है अपान। गैस त्याग करना, वायु त्याग करना, ये सारे अपान के कारण होता है। और अपान की गति क्या है, उसका रास्ता है अधोगामी, नीचे की ओर गमन करना, ऊर्ध्वगामी नहीं है। लेकिन जब शरीर अव्यवस्थित व्यवस्था में आता है, असंतुलन में आ जाता है, तो ये प्राणवायु आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सब अपनी गति को, अपने कार्य को सब एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, और सब एक दूसरे में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। यानी अपान प्राणवायु अगर विकृत हो जाए, सही ना रहे, तो जिसकी गति अधोगामी है, नीचे की ओर गमन करने की है, वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर उठने लगेगा। अब जिस हवा को, जिस गैस को मल द्वार से बाहर आने चाहिए, वायु त्याग होने चाहिए मल द्वार के माध्यम से, वह गैस और वह हवा अगर विकृत हो गया तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा। और अगर वह ऊर्ध्वगामी हो गया तो क्या होगा, अपान जाकर समान या प्राणवायु से मिलने लगेगा। समान भी सीने के लिए काम करता है और हृदय के लिए प्राण करता है। तो अपान प्राण या समान से मिलने लगे, यानी ऊर्ध्वगामी हो जाए, जिस गैस को नीचे से निकलना है वो ऊर्ध्वगामी होगा, तो अब क्या होगा, गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऊपर जैसे ही चढ़ने लगेगा, जब अपान विकृत होता है तो ऊपर गैस चढ़ने लगती है, और उससे रिलेटेड में फिर आपको कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे हृदय से संबंधित समस्याओं में अपान की विकृति बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए श्वास प्रेक्षा के प्रयोग को अगर करते हैं, नियमित व्यवस्थाओं में करते हैं, तो ये जो
प्राण वायु हैं, ये प्राण वायु आपस में संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, और जिसका जो कार्य है वह वही कार्य को करता है, और अगर वह वही कार्य को करेगा तो शरीर संतुलन में होगा, व्यवस्था में होगी, तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए योग में श्वास परीक्षा के प्रयोगों के द्वारा हम इन प्राण वायुओं को जो असंतुलित हो गई हैं उसे संतुलन प्रदान करते हैं, और संतुलित होने से शरीर स्वस्थता को प्राप्त करता है, मन शुद्ध और स्वस्थ रहता है, मन में विकृतियां कम आएगी, क्योंकि हर प्राणवायु अपने अपने कार्य को अगर सही तरीके से करेगा तो शरीर पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्तर से स्वस्थ और संतुलित रहे। तो यानी प्राणवायु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्राण और प्राणवायु, जैसे कि इसमें शरीर के अंदर की हर प्रक्रिया के लिए क्या कहा गया है, जैसे नाक जो सपोर्टिंग करता है, अगर छींकना होता है, डकार लेना होता है, तो उसमें नाक वायु का प्रयोग किया, नाक के संतुलन के कारण छींकना होता है या खांसना डकार लेना होता है। इस तरह से सारे जो प्राणवायु है अपना अपना कार्य है उनका निर्धारित, वो उस हिसाब से संतुलन अगर रहेगा तो सारे अपने अपने कार्य को संतुलित रूप से व्यवस्थित रूप से करें। और तीसरा है इसका बिंदु, वह है हमारे इसके लिए प्राणायाम, जिसमें प्राणायाम पर हमने चर्चा भी की थी। मैं नहीं चाहता कि अभी 3 मिनट में कोई प्राणायाम पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो प्राणायाम की चर्चा हम अगले क्रमों में रख लेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा बताया भी था आपको, शायद ध्यान में भी हो आप लोगों को, मैंने पूरा प्राणायाम पे पूरा विश्लेषण किया था, और उसमें हमने आपको एक क्रम भी दिया था प्राणायाम पे कि किस क्रम से प्राणायाम को करना चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। और मैंने यहाँ कम से कम कहा था कि कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग कम से कम 15 मिनट का होना ही चाहिए, तभी आप उसका पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो प्राणायाम की चर्चा अगले क्रम में हम कर लेंगे, आज यहीं पर बात को हम विराम देते हैं। आज समय से 3 मिनट पहले हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब आपके प्रश्न आएंगे तो 3 मिनट से ऊपर निकल जाएगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न हो तो बोलिए नवलखा जी। सर ये जो प्राण वायु की जो चर्चा हुई जी, उसमें ये प्राण वायु में हवा की बात नहीं आती है, मतलब वायु का आंतरिक हवा जरूर है, बाहर की जो ये ऑक्सीजन ये हवा उसकी बात नहीं आती है उसमें, निश्चित रूप से, लेकिन माध्यम वही है। माध्यम वही है, लेकिन उसमें जो सूक्ष्मतम चीजें हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी को हम ग्रहण कर रहे हैं, और शरीर के अंदर जो वाइटल एनर्जी है, जब कॉस्मिक एनर्जी उस वाइटल एनर्जी से मिलती है तो हमारी प्राण शक्ति का विकास होता है और संतुलन आता है। माध्यम तो हवा ही है, लेकिन एक्सटर्नली नहीं, उसके सूक्ष्मतम तत्वों की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, इसमें क्या है कि ये अभी प्राण तत्व जी जो चर्चा अभी चल रही है सर, इसमें अब अंदर की जो प्रक्रिया है उसको हम कंट्रोल प्राणायाम के माध्यम से जैसे आप बता रहे हैं या योगासन के द्वारा यही कर सकते हैं, बाकी तो माध्यम से आंतरिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है श्वास परीक्षा के माध्यम से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि श्वास परीक्षा का बाकी प्राणायाम भी प्रक्रिया है, प्राणायाम के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि विषय श्वास परीक्षा से रिलेट कर रही है, प्राणायाम की प्रक्रिया में जब हम कल चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे, मतलब अगले दिन जो चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि उसका नुकसान क्या हो सकता है प्राणायाम करने का, लेकिन श्वास परीक्षा का प्रयोग अगर आप करते हो तो लाभ, वो लाभ देता है, प्राणवायु का संतुलन भी करता है, प्राण को भी सक्रिय करता है, प्राणायाम का भी लाभ देता है श्वास परीक्षा, लेकिन यहाँ पर इस प्रक्रिया के साथ जाते हैं तो नुकसान नहीं होता वहां पर, क्योंकि उस प्रक्रिया में आएंगे, क्योंकि रास्ते देखिए एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता सरल और सहज हो यह संभव नहीं, लेकिन श्वास परीक्षा वही उसी तरह से और भी रास्ते हैं इस प्राण तत्व को सक्रिय करने के, संतुलित करने के, लेकिन श्वास परीक्षा का प्रयोग एक वैसा प्रयोग है जो बड़ी सरलता से और बड़ी सहजता से उस तक प्रभावित करेगा, और उसका नुकसान बहुत नहीं के बराबर है, नगण्य है। तो प्रक्रिया वो होनी चाहिए कि जिसमें आपको नुकसान न हो और लाभ उसका पूरा मिले, इसलिए श्वास परीक्षा का प्रयोग अगर व्यक्ति कर रहा है रेगुलर हैबिट में तो वह प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है, जिसके लिए और भी सारे प्रयोग, मूल कहने का आशय इस बात से। सर ये प्राणायाम की जो प्रक्रिया है अभी आपने जो चर्चा की, आगे जो डिटेल में जाएंगे
उसकी भी एक सीक्वेंस की भी कोई मतलब आधार या कोई एक उसका रीजनिंग होगा कि इसके बाद ये हो, इसके बाद ये हो। बिल्कुल है, मैं बताऊं, इसीलिए तो मैं बताऊंगा, इसीलिए तो अभी नहीं चर्चा कर रहा हूं, वरना तो दो मिनट में करके निकल ही जाऊं। करना नहीं है 20 मिनट, कल पूरा का पूरा, अगले क्लास में जो 20 मिनट हमें मिलेगा पूरा 20 मिनट प्राणायाम पे ही बोलूंगा। और मैंने बोला भी है, पीछे बोला भी है, अगर आप उस समय थे क्या नहीं थे मुझे नौलखा जी नहीं पता है, लेकिन उसमें हमने बोला था, सिस्टम दिया था कैसे करने का तरीका होगा पूरा, उसमें काफी पूरा एक पूरा वीडियो होगा, आधे घंटे से ऊपर का होगा, 40 मिनट का होगा, और सिस्टमेटिक क्या होना चाहिए, प्राणायाम होता क्या है, उसका करने का तरीका क्या होगा, कितना में समझेंगे कि आपकी कैपेसिटी कहाँ है, कैपेसिटी का निर्धारण कैसे करेंगे, कैपेसिटी अगर बढ़ रही तो आपको पता कैसे चलेगा, ये सारी चीजें हमने उसमें बताई थी, पूरे विस्तार से बताया था, काफी बताने का मैंने प्रयास किया था। शायद जो लोग थोड़ा खाली प्राणायाम करते हैं अगर उसे सुनेंगे, जो पीछे हमारा ऑलरेडी होगा askprekshak.com पे उपलब्ध होगा वो पीछे वाला बात, फिर हम वही रिपीट करेंगे, बस वही है कि बोलने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही कुछ, लेकिन चीजें लगभग वही सारी होंगी। तो वो चीज बिल्कुल, वो क्रम, इसीलिए बताने विस्तार बताने के पीछे ये कई प्रयोजन है कि प्राणायाम हमारे हैबिट में है और उसको हम कितना ज्यादा कर सकें और कैसे साध सकें, क्योंकि साधना बहुत जरूरी है, बिना साधे लोग उछलते चले जाते हैं तो उसका लाभ नहीं ले पाते, वो बस उछलते ही रह जाते हैं। तो वही मैं साधने की बात कर रहा हूँ, वहां रोकना, रोकना क्यों जरूरी है, कुंभक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर करेंगे तो कितना करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी उतनी ही थी, इससे ज्यादा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो ये सारा निर्धारण आपको प्राणायाम में पता होना चाहिए। तो जब हम प्राणायाम पे चर्चा कर रहे हैं तो उसमें हम पूरे कोशिश करेंगे कि उसमें कुंभक की प्रक्रिया कहाँ करनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, अंत कहाँ होनी चाहिए, अब कपालभाति और